Hello everyone, Manchester United is going to face Aston Villa in the FA Cup and from the perspective ki kya hua hai recent weeks mein, so many rumors coming out ki players mein aapas mein ban nahi rahi hai, some players are having problems with the manager, to agar aap in sab cheezon ko consider karein, then you will realize that this is the most important game for Manchester United this season. This is a chance for players to show character ki off the pitch jo bhi ho raha ho, on the pitch they are committed towards getting United to where it belongs. They will respect the fans, the club, the history of the club. और अगर ऐसे difficult times में कोई player weakness show करेगा, तो यार bye bye. Arsenal नहीं है ये drama वहाँ पे चलते होंगे, यहाँ नहीं चलने वाले हैं. We all know that FA Cup is huge in terms of English tradition and English history. लेकिन अगर आप इंडिया से हैं और आपके दिल में कोई respect नहीं है for English tradition and English history, फिर भी आप ये कंसिडर कर सकते हैं दैट दिस इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रॉफी अवेलेबल टू अ क्लब इन इंग्लैंड और मेरे हिसाब से दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड और ये एक ऐसी ट्रॉफी है जो यूनाइटेड के लिए आई थिंक इज अ मस्ट विन. मेरे इस पॉइंट से यार आई थिंक यू कैन अग्री टू डिसअग्री बट मेरे हिसाब से वेन वी साइंड रैंगनेक एज एन इंटरिम मैनेजर वी बेसिकली कंसीडेड द लीग टाइटल एंड द चैंपियंस लीग ट्रॉफी. मुझे नहीं लगता यार कि रैंगनिक ने अपने करियर में ऐसा कुछ भी किया है जो ये वारंट करता है दैट ही इज द राइट फिट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड और वो यूनाइटेड को ट्रॉफीज जिता सकता है. आई एम एक्साइटेड अबाउट द कंसल्टेंसी रोल जो इस सीजन के बाद दो साल के लिए वो करने वाला है बिकॉज आई थिंक ही हैज डन अ ग्रेट जॉब इन अ सिमिलर पोजिशन एट बोथ द रेड बुल टीम्स. लेकिन उसके मैनेजर वाली जॉब को लेके आई एम नॉट एक्साइटेड एट ऑल. ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है मेरा फ्रॉम वट एवर आई हैव रेड अबाउट हिम. लेकिन मेरे लिए ये थोड़ा और एविडेंट हो गया विद एवरीथिंग ऑफ द पिच शिट दैट इज गोइंग अराउंड एट द क्लब. ऑल्सो वरान ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि यार दिस ईयर वी जस्ट वांट टू प्ले गुड फुटबॉल ऑन द पिच एंड मेक द फैंस हैप्पी. आई डोंट नो उसका लिटरली क्या मतलब था इस स्टेटमेंट से बट अगर आप टाइटल की या फिर चैंपियंस लीग ट्रॉफी की होप से के बैठे थे तो दिस इज नॉट अ गुड स्टेटमेंट. ऑल्सो एज अ फैन आई थिंक इट वुड बी ग्रेट अगर हम एफए कप जीत जाते हैं. द लास्ट टाइम वी वन अ ट्रॉफी आई थिंक वो यूरोपा लीग थी अंडर जोसे मेरिनो और लास्ट टाइम जब हमने एफए कप जीता था वो तो यार कब वैन गाल के जमाने में. नए नए यूनाइटेड सपोर्टर्स को तो पता भी नहीं होगा कि भाई वैन गाल नाम का आदमी भी था कभी मैनचेस्टर यूनाइटेड में. तो आई थिंक बहुत ही अच्छी बात होगी अगर हम ये ट्रॉफी जीत सकते हैं एफए कप. ऑल्सो द फैक्ट दैट हम इस कॉम्पिटिशन की सेकेंड मोस्ट सक्सेसफुल साइड है लेकिन फिर भी हमें 6-7 साल हो गए हैं हमने ये ट्रॉफी नहीं जीती है तो इट इज प्रीटी एम्बैरेसिंग टू बी ऑनेस्ट. टॉकिंग अबाउट द गेम टुनाइट आई थिंक एस्टन विला एक ऐसी टीम है जो काफी रिसर्जेंट लग रही है अंडर स्टीवन जेरार्ड. इवन दो उन्होंने अपने लास्ट दो मैचेस हारे हैं लेकिन उन दो मैचेस में भी दे हैव लुक प्रीटी गुड. बहुत ही कॉन्फिडेंट साइड है और द रीजन आई गेस उन्होंने दो मैच हारे हैं अपने लास्ट इज कि वो अपने चांसेस पे कैपिटलाइज नहीं कर पाए हैं. उनके स्ट्राइकर्स इतना अच्छा नहीं खेल पाए हैं. वॉटकिंस इज प्लेइंग गुड बट इंग्स डेफिनेटली अंडर परफॉर्म कर रहा है बट वी ऑल नो कि अगर इंग्स अपने रिदम में आ गया तो ही इज अ वेरी गुड स्ट्राइकर एंड उनको ऑब्वियसली एक बूस्ट मिलने वाला है विद द साइनिंग ऑफ फिलिप कोटिनो. इवन दो फिलिप कोटिनो ने रिसेंट ईयर्स में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है लेकिन फिर भी उनकी टीम के लिए वो एक सुपरस्टार साइनिंग है एंड आई थिंक दैट इट डज इफेक्ट द प्लेयर्स इन अ पॉजिटिव वे. ऑल्सो विद ऑल द नेगेटिविटी जो यूनाइटेड के आसपास है इस टाइम पे मुझे लगता है कि वो इस चीज के ऊपर भी कैपिटलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम होने वाला है ब्रूनो फर्नांडिस और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए भी बिकॉज अगर आपको याद होगा द लास्ट टाइम दीस फर्नांडिस ने अपनी पेनल्टी से छक्का मार दिया था तो ये बैटल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज बड़े प्लेयर्स कभी भी ऐसी बातें नहीं भूलते हैं. ऑन पेपर इट लुक्स लाइक अ प्रीटी इजी विन फॉर यूनाइटेड लेकिन इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट गेम. प्लस आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि रैंगनिक अपने वही 4-2-2 के साथ स्टिक करेगा या फिर ही विल डिसाइड टू चेंज थिंग्स अराउंड क्योंकि 4-2-2 तो यार डेफिनेटली काम नहीं कर रहा है. उसका जो पहला गेम था अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस वहां पे टीम ने जितनी प्रेस की आई थिंक जो टीम का जो सारा गेगन प्रेसिंग का होता ना वो पूरी तरह से उतर चुका है. तो इंटरेस्टिंग होगा टू सी कि रैंगनिक के लॉकर में और कौन कौन सी ट्रिक्स छुपी हुई हैं. टॉकिंग अबाउट लाइनअप्स पर्सनली फॉर दिस वन आई वॉन्ट रोनाल्डो टू सिट दिस वन आउट क्योंकि मैं चाहता हूं यार कि ग्रीनवुड को फाइनली अप टॉप एक चांस मिले. फॉर मी ही इज वन ऑफ द बेस्ट यंग प्लेयर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ एंड द रीजन की उसकी बात नहीं होती है इन द लाइक्स ऑफ फोर्डन व्लाहोविच एंड ऑल इसकी यार उसको गेम टाइम नहीं मिलता है इतना.
अगर उसको प्रॉपर गेम्स मिलेंगे ना अंडर एनी डिसेंट क्लब, आई एम श्योर कि किसी भी लीग में ही विल स्कोर 15 टू 20 गोल्स एवरी सिंगल सीजन. उसकी अबिलिटी टू स्कोर फ्रॉम बोथ फीट, आई थिंक दिस इज अनमैच्ड. अगर आप किसी भी यंग टैलेंट की बात करो, फॉर मी अगर यूनाइटेड की बात करें ना यार, तो मेरे हिसाब से आई थिंक ग्रीनवुड को एक प्रायोरिटी रखना चाहिए ओवर रोनाल्डो एज वेल. कोई भी लॉन्ग टर्म या इवन शॉर्ट टर्म नेक्स्ट सीजन या उसके नेक्स्ट सीजन के लिए हमें कोई भी बड़ी डिसीजन मेकिंग करनी है, तो आई थिंक दैट ग्रीनवुड को हमको एक प्रायोरिटी रखना चाहिए ओवर क्रिस्टियानो रोनाल्डो. सम मे डिसएग्री ऑन दिस, बट मेरे लिए यार ग्रीनवुड वर्ल्ड के टॉप 10 प्लेयर्स में आएगा इन 5-6 ईयर्स टाइम, अगर उसकी गेम मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से की जाएगी. सो अप टॉप आई एम गोइंग विद ग्रीनवुड एंड कवानी. कवानी ये तो ऑलमोस्ट सर्टेन है यार कि वो खेलेगा ही खेलेगा. टू फ्रंट वाइड प्लेमेकिंग पोजीशंस में आई थिंक वी कैन फाइनली सी लिंगार्ड गेट अ चांस. एफए कप में उसने बहुत सारे तगड़े तगड़े परफॉर्मेंसेस दिए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, तो आई थिंक ये एक पॉसिबिलिटी है. प्लस ब्रूनो फर्नांडिस तो पक्का है कि वो खेलने ही वाला है, बिकॉज वुल्व्स के अगेंस्ट उसने सिर्फ 30 मिनट्स खेले थे. वुल्व्स के अगेंस्ट फ्रेड भी बेंच पे था, तो वी कैन डेफिनेटली सी हिम गेट बैक इनटू द टीम अलोंगसाइड हिम इन द मिडफील्ड. आई थिंक दैट वैन डे बीक डिजर्व्स अ चांस. आई वुड बी सरप्राइज्ड अगर रैंगनिक थोड़ा डिफेंसिव जाए और मैटिच या मैकटोमिने को खिलाए, बट मेरे लिए वैन डे बीक को ऐसे एक गेम में एटलीस्ट चांस मिलना ही चाहिए यार. टॉकिंग अबाउट द डिफेंस, आई थिंक दैट डीन हेंडरसन विल फाइनली गेट हिज चांस. Diego Dalot and Telles could get back into the fullback position, especially Telles, considering jo Luke Shaw ki post-match conference hui thi after the Wolves game. I think Telles will get back into the team. Lindelof might replace Varane, and alongside him, we could see the man, the myth, the legend, Phil Jones getting back to back games. एक ऐसा आदमी यार जिसको उम्मीद नहीं थी कि यूनाइटेड शर्ट में दोबारा देखने का भी मौका मिलेगा. फॉर हिम टू गेट बैक टू बैक गेम्स एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई थिंक ये एक बहुत ही अनबिलीवेबल अचीवमेंट है. एज ऑलवेज आई एम प्रेडिक्टिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड टू विन. आई एम गोइंग फॉर अ टू विन विन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. कवानी एंड ब्रूनो टू स्कोर. मैच स्टार्ट होगा एट 1:25 AM आज आफ्टर मिडनाइट. You can watch it on Sony 10-2 या फिर Sony 10-2 HD या फिर अगर Sony Live ऐप का सब्सक्रिप्शन है तो यार वहां देखो और सब्सक्राइब कर दो यार. सिर्फ ज्यादा नहीं, सिर्फ 500 का टारगेट रखा है. 500 सब्सक्राइबर्स होते ही यू विल सी मी पोस्टिंग मोर रेगुलरली मोर कॉन्टेंट इस चैनल पे. लाइक भी कर देना साथ में और टाइम निकाल के यूनाइटेड का मैच देख लेना. हाईलाइट के भरोसे मत बैठो, स्केड्यूल करो, टाइम निकालो और पूरा मैच देखो, बहुत ज्यादा मजा आता है. ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय.